भारत में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर रोज कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले दो दिनों से कोरोना के नए मामलों में 2% की गिरावट के बाद एक बार फिर कोरोना के नए केस में उछाल आया है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में संक्रमण के मामलों में तकरीबन 18% उछाल देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में 2,927 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 32 लोगों की कोविड से मौत हुई है। भारत में पिछले कई दिनों से कोरोना के 2,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी के बाद देश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,30,65,496 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से मौत के मामले में पिछले दिन के मुकाबले भारी गिरावट आई है। पूरे भारत में अब तक कुल 5,23,654 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव मरीजों की संख्या अभी 16,279 है। फिलहाल देश में कोविड पॉजिटिविटी रेट 0.58% पर बना हुआ है। राहत की बात यह है कि 2,552 मरीजों को पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिली है। वर्तमान में रिकवरी रेट 98.75% है। अब तक देश में कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 4,25,25,563 है। वहीं अब तक वैक्सीनेशन का आंकड़ा 188,19,40,971 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 21,97,082 लोगों को वैक्सीनेशन की डोज लगाई गई है। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 5,05,065 सैंपल टेस्ट किए गए। कल तक कुल 83,59,74,079 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। महज दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1,204 नए कोविड मामले सामने आए। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई। यहां सक्रिय मामलों की संख्या 4,508 पर पहुंच गई है। कोरोना की बाकी लहरों में बच्चों पर ज्यादा गंभीर असर नहीं हुआ था, लेकिन इस बार बच्चे इस नए XE वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं। खासतौर से स्कूल खुलने के बाद इन मामलों में बढ़ोतरी की और आशंका जताई जा रही है। ऐसे में DCGI ने ऐलान किया है कि अब 6 से 12 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। DCGI ने 6 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का फैसला लिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।